शाश्वत तीर्थ रत्नपुरी अयोध्या में 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि अयोध्या के अति प्राचीन मंदिर का होने जा रहा है जीर्णोद्धार और प्रतिदिन यहां आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की आशीर्वाद से आए हुए सांगानेर के विद्यमान मुखारविंद से अभिषेक एवं शांति धारा प्रतिदिन होती है एवं दोपहर में प्रतिदिन विधान का आयोजन होता है। शीतकालीन भक्तामर के रिद्धि मंत्रों से 48 दीपों से आरती भी होती है। कमेटी का निवेदन है कि आप इस तीर्थ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ें और प्राचीन तीर्थ के जीर्णोद्धार सहयोगी बनकर सातिशय पुण्य का संचय करें। श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज सदैव कहते हैं कि आप इस तीर्थ की रक्षा करें और तीर्थ आपकी रक्षा करेगा। यहाँ पर यात्रियों के रहने की अति उत्तम निशुल्क व्यवस्था है और यहाँ पर भोजनशाला भी है और इस क्षेत्र पर एक भी घर जैन समाज का नहीं है और ये प्राचीन मंदिर मुस्लिम समाज के बीच में स्थित है। यहाँ पर शासन और प्रशासन द्वारा सेवा दी जाती है। इस प्राचीन मंदिर के सरयू नदी के किनारे होने के कारण यहाँ बाढ़ सदैव आती रहती है, लेकिन एक बार बाढ़ आई और उस सरयू नदी ने भगवान धर्मनाथ के चरणों को स्पर्श किया और ऐसा कहा जाता है कि चरणों को स्पर्श करने के बाद यहाँ आज तक कभी भी बाढ़ नहीं आई है। ऐसे बहुत से अतिशय यहाँ होते रहते हैं। मुगलों के शासन काल में जब औरंगजेब यहाँ पर इस प्राचीन मंदिर को तोड़ने आया था तो यह मंदिर अदृश्य हो गया, अतः उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। अतः वो प्राचीन मंदिर आज भी भूगर्भ में समाया हुआ है। आप अपने इष्ट मित्रों परिवार के साथ यहाँ पधारें और सातिशय पुण्य का संचय करें। एक दिन की शांति धारा 1100 रुपए, एक भक्तामर विधान 2100 रुपए, अमर के रिद्धि मंत्रों की आरती 1100 रुपए, तीर्थ रक्षक 11000 रुपए में सहयोगी बनकर तीर्थ की रक्षा करें। संपर्क सूत्र 8400831 08। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.jainmandirayodhya.com। चलिए विशेष प्रारंभ करेंगे। चलिए शांति धारा प्रारंभ करेंगे। आज भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में आज शांति धारा के पुण्यार्जक हैं लक्ष्मी जी रूपेशी जैन आगरा निवासी। आज जन्मदिन है और हमारे साथ गुजरात से संतोष जी, रजनी जी, शोभित जी, ऋतु जी, स्वाति जी, नमन जी, लक्ष्य जी, श्रेयांवी जी सिलवासा निवासी हैं, योगित जी, मोनिका जी स्वास्थ्यलाभित अलवर निवासी हैं, अचल जी जैन दिल्ली आज इनकी ओर से भी शांति धारा है, पवन जी, रोहित जी, दिया जी इनकी ओर से भी आज दिया जी का जन्मदिन है, जन्मदिन की हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। राहुल जी, सचिन जी की ओर से लाड़ू है और नीरज जी, सुधा जी की ओर से लाड़ू है। चलिए आज हमारे शांति धारा वार्षिक शांति धारा पुण्यार्जक के रूप में वीरेंद्र कुमार जी, ममता जी, सचिन जी, अर्थी जी, वान्या जी, गुड़िया जी जैन जुड़े हुए हैं, कमलेश कुमार जी, विनय कुमार जी जैन बाराबंकी जुड़े हुए हैं, हम इनसे इनका सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चलिए सबकी ओर से आज शांति धारा प्रारंभ करें। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। श्याम क्षीम क्षुम क्षेम क्षम क्षौ क्षम क्षा क्षीम
राम रीम रूम ऐरम रो रौ राम रीम राम रीम द्रावद्रवण भूते भगवते श्रीमदघाटास्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एव अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवतः सर्वज्ञ परमेष्ठी पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्रीशान्तिभट्टारं पाशुपद्मप्रसादात् सद्धर्म शिवलायुरारोग्येश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गाः प्रसिदन्तु नः। ओम वृषभादय श्री वर्धमान पर्यन्ताश्च चतुर्विंशत्यरन्तु भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगलामधेय अस्माकं यहं मुक्तिः सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहं मुक्तिः सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमोर्दे भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वदंकराय श्रीमदरत्नायरूपाय दिव्यतेजोमूर्ते प्रभामंडलमंडिताय द्वादशगणसहिताय अनंतचतुष्टयसहिताय समोषणकेवलज्ञान लक्ष्मीशोभिताय अष्टादशदोषरहिताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुणसंयुक्ताय परमेष्ठीपवित्राय सम्यग्ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय रुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहिताय संसारचक्रमर्दनाय रुद्रज्ञानदर्शनवीरसुखास्पदाय त्रैलोक्यपशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे व्रतफणामंडलमंडिताय ऋष्यारकाश्रावकश्राविका प्रमुखचतुसंगोपसर्गविनाशनाय घातिकर्मशंकराय अजराय अभवाय अस्माकं श्री आचार्य गुरुजी विद्यासागरजी महामूलत समस्तसंगानां पूज्यमुनिपुङ्गशिशुदाससागरजी महामूलत समस्तसंगानां समस्त प्रबंध कार्यकारिणी समिति रोनाई क्षेत्रस्य शांति धारा पुण्यार्जक लक्ष्मी जी रूपेण जी आगरा निवासी ना सपरिवार से संतोष जी जैन रजनी जी जैन शोभित जी जैन ऋतु जी जैन स्वाति जी जैन नमन जी जैन लक्ष्मी जी जैन श्रीयांबी जी जैन सपरिवार से सिलवासा गुजरात निवासी नाम योगी जी जैन मोनिका जी जैन सपरिवार से स्वास्थ्य लाभ हेतु अलवर निवासी नाम अचल कुमार जी जैन सपरिवार से दिल्ली निवासी नाम पवन कुमार जी रोहित जी जैन दिया जी जैन जन्म दिवस उपलक्ष्य सपरिवार से राहुल जी जैन सचिन जी जैन सपरिवार से नीरज जी जैन सुधा जी जैन सपरिवार से शांतिधारा पुण्यार्जक कमलेश कुमार जी विनय कुमार जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम वीरेंद्र कुमार जी जैन ममता जी जैन सचिन जी जैन अर्ची जी जैन वान्या जी जैन गुड़िया जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम केवल चंद जी जैन शकुंतला जी जैन मनोज जी जैन सुनीता जी जैन संजय जी जैन निशी जी जैन दीपक जी जैन मोनिका जी जैन मनीष जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम दिलीप कुमार जी जैन विकास कुमार जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम सुधीर जी जैन कामिनी जी जैन रूपेश जी जैन सपरिवार से बरहाई जी निवासी नाम राजकुमार जी जैन नमन जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम ऋषभ कुमार जी जैन सपरिवार से दरियाबाद निवासी नाम आशीष जी जैन अमन जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम उमेश चंद जी राजेश जी अनंत जी शेखू जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम सरोज देवी जी जैनीलाल जी जैन सपरिवार से टिकैत नगर निवासी नाम महावीर जी कुसुम लता जी मयंक जी अवनी जी प्रज्ञा जी साक्षी जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम राजेश कुमार जी पप्पू नेता जी प्रांशु जी जैन सपरिवार से बाराबंकी आलोक कुमार जी अक्षय कुमार जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम दीपा जी जैन पूरण जी जैन सपरिवार से लखनऊ निवासी नाम मुकेश जी जैन प्रभास चंद जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम अर्पण कुमार जी अनमोल कुमार जी सपरिवार से फतेहपुर निवासी नाम राजेश कुमार जी प्रकाश चंद जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम अजय कुमार जी वैभव कुमार जी विशुद्ध कुमार जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम मृदुल जी जैन राकेश जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम महावीर प्रसाद जी अनिल कुमार जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम राजीव जी जैन साधना जी जैन सपरिवार से बाराबंकी निवासी नाम उदय जी जैन रीता जी जैन सपरिवार से लखनऊ निवासी नाम नीरज जी जैन सुधा जी जैन अरम जी जैन सिद्धि जी जैन कनक जी जैन सपरिवार से अकबरपुर निवासी नाम मनीष जी जैन सपरिवार से कोलकाता निवासना महेश चंद जी गुलाब चंद जी जैन सपरिवार से टोंगे परिवार इंदौर निवासी नाम सकल दिगंबर जैन समाज भारत वर्षण समस्त जीवानाम आद्य भगवान महावीर स्वामी जन्म निर्वाण महोत्सव उत्सवे व्याधिं घनन्तु श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमोर्दे भगवते प्रक्षिणासे दुष्कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्दे नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगामृत्युविनाशनाय सर्वप्रकृतिशत्रुपद्रविनाशनाय सर्वारिष्टशान्तिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौ रः श्रिया उषा नमः मम सर्वविघ्नशान्तिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं सिञ्चिद्धि रति कामं सिञ्चिद्धि बलि कामं सिञ्चिद्धि क्रोधं पापं वैरं च सिञ्चिद्धि अग्निवायु भयं सिञ्चिद्धि सर्वशत्रुविघ्नं सिञ्चिद्धि सर्वोपसर्गं सिञ्चिद्धि सर्वविघ्नं सिञ्चिद्धि सर्वराजभयं सिञ्चिद्धि सर्वचोरदुष्टभयं सिञ्चिद्धि सर्वसर्वृक्षसिंहादिभयं सिञ्चिद्धि सर्वग्रहभयं सिञ्चिद्धि सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सिञ्चिद्धि
सर्वपरमन्त्रम् सर्वात्म घातम परघातम च सर्वशूल रोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम शिरोरोगम जरोगम च सर्वनरमार्यम् सर्वजाग्रो महिषाजमार्यम् सर्वसत्य धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पशु फल मार्यम् सर्वराष्ट्र मार्यम् सर्वपूर्वेताल सागरी डाग्नि भयानी सर्ववेदनीयम् सर्वमोहनीयम् दुष्टिमुष्टिछलछिद्रदोषान् सर्वदुष्ट देवदान वीरनरण संयोगिनी कृत दोषान् सर्वाष्टकुलीना विष्मयानि सर्वस्थावर जंगम वृक्षिक सर्पादि कृत दोषान् सर्वसिंहाष्टपदादि कृत दोषान् परसद्दुगण मांडुचाटन विद्वेष मोहन वशीकरणादि कृत दोषान् ओम नमस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम गुरु सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मत्तम पत्तन दौड़ा मुख संवाहानंदनम सर्वानंदनम गुरुकुरु स्वाहा यक्षोकम विष्णुलोकेशु व्याधि विषयं वर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं शांतिधारा पुण्या जग सपरिवारस्य समस्त दिगंबर जैन समाज भारतवर्षण समस्त जीवानां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु गोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्मशी बलाय आरोग्याभिवृद्धिरस्तु धारा संपूजे हम सभी देखने वाले महानुभावों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी ओर से
जन्मदिन इत्यादि विशेष अवसरों पर इस क्षेत्र में शांति धारा करा करके विशेष पुण्य का अर्जन करें। इस क्षेत्र को जीर्णोद्धार की बहुत आवश्यकता है। आप सभी लोग यदि अपनी ओर से कुछ राशि का लगा करके अपनी ओर से शांति धारा कराना चाहें तो करा सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज जैसे आज हमारे लिए लक्ष्मी जी जैन, भूपेश जी जैन आगरा वालों ने शांति धारा का पुण्य अर्जन किया, हम उनका कमेटी की ओर से, समाज की ओर से सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। संतोष जी जैन, रजनी जी जैन, आज इन्होंने शांति धारा का पुण्य अर्जन भी किया और साथ ही लाड़ू का भी पुण्य अर्जन किया, इनका भी हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। योगी जी जैन और मोनिका जी जैन अलवर निवासी ने भी शांति धारा का पुण्य अर्जन किया, इनका भी हम बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। अचल जी जैन का भी हम सादर आभार ज्ञापित करते हैं। और पवन कुमार जी जैन, गोरी जी जैन, दिया जी जैन, दिया जी का जन्मदिन है, जन्म दिवस की हम इनको हार्दिक बधाई देते हैं और आपका जीवन मंगलमय बीते ऐसी भावना निभाते हैं। और आज के लाडू के पुण्यार्जक हैं राहुल जी जैन, सचिन जी जैन और नीरज जी जैन और सुधा जी जैन। चलिए इन सभी की ओर, इन सभी का हम कमेटी की ओर से सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और उन सभी की ओर से कमलेश कुमार जी जैन, विनय कुमार जी जैन, ये हमारे वार्षिक शांति धारा पुण्यार्जक हैं, इनका भी हम सादर आभार ज्ञापित करते हैं। चलिए आगे चढ़ाएंगे। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प कुंज नैवेद्य दीपक सुधु पपल व्रजेन कर्माष्ट कल्पथन वीर अनंत सत्यं संपूजयामि महसा महशाम निधानम्। ओम नमः शिवाय अभिषेकाय विश्वानि ग्रंथेभ्यो नमः जनार्दनाय अर्घ्यम् इन्द्र पार्वती स्वाहा। कांड निर्माण की भाषा शुभ अष्टाधीश्वर स्वामी वास्तु पूज चंपापुर स्वामी नेमिनाथ स्वामी नेनाथ भगति चरम तिथंकर चरम सरी पावापुरी स्वामी महावीर शिखर संवेद जिनेश्वर वीर भाव सहित बंधो निष वर दत्ता करु इंद्र मुनिन्द्र सायर दत्त आदि गुण वृंद नगर तारवर मुनि उठ कोड़े वंदो भाव सहित कर जोड़ी श्री गिरनार शिखर विख्यात कोणि बहत्तर अरु सोसार शंभु प्रदुम्न कुमार द्वय भार अनिरुद्ध आदि नमो तसुपार रामचंद्र के सुत द्वय वीर लाड नरेंद्र आदि गुण धीर पांच कोड़ी
शाश्वत तीर्थ रत्नपुरी अयोध्या में 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि अयोध्या के अति प्राचीन मंदिर का होने जा रहा है जीर्णोद्धार और प्रतिदिन यहां आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की आशीर्वाद से आए हुए सांगानेर के विद्यमान मुखारविंद से अभिषेक एवं शांति धारा प्रतिदिन होती है एवं दोपहर में प्रतिदिन विधान का आयोजन होता है। शीतकालीन भक्तामर के रिद्धि मंत्रों से 48 दीपों से आरती भी होती है। कमेटी का निवेदन है कि आप इस तीर्थ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ें और प्राचीन तीर्थ के जीर्णोद्धार सहयोगी बनकर सातिशय पुण्य का संचय करें। श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज सदैव कहते हैं कि आप इस तीर्थ की रक्षा करें और तीर्थ आपकी रक्षा करेगा। यहाँ पर यात्रियों के रहने की अति उत्तम निशुल्क व्यवस्था है और यहाँ पर भोजनशाला भी है और इस क्षेत्र पर एक भी घर जैन समाज का नहीं है और ये प्राचीन मंदिर मुस्लिम समाज के बीच में स्थित है। यहाँ पर शासन और प्रशासन द्वारा सेवा दी जाती है। इस प्राचीन मंदिर के सरयू नदी के किनारे होने के कारण यहाँ बाढ़ सदैव आती रहती है, लेकिन एक बार बाढ़ आई और उस सरयू नदी ने भगवान धर्मनाथ के चरणों को स्पर्श किया और ऐसा कहा जाता है कि चरणों को स्पर्श करने के बाद यहाँ आज तक कभी भी बाढ़ नहीं आई है। ऐसे बहुत से अतिशय यहाँ होते रहते हैं। मुगलों के शासन काल में जब औरंगजेब यहाँ पर इस प्राचीन मंदिर को तोड़ने आया था तो यह मंदिर अदृश्य हो गया, अतः उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। अतः वो प्राचीन मंदिर आज भी भूगर्भ में समाया हुआ है। आप अपने इष्ट मित्रों परिवार के साथ यहाँ पधारें और सातिशय पुण्य का संचय करें। एक दिन की शांति धारा 1100 रुपए, एक भक्तामर विधान 2100 रुपए, अमर के रिद्धि मंत्रों की आरती 1100 रुपए, तीर्थ रक्षक 11000 रुपए में सहयोगी बनकर तीर्थ की रक्षा करें। संपर्क सूत्र 8400831 08। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.jainmandirayodhya.com।